हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड यस बैंक से रिलेटेड काफी सारी न्यूज आ रही है यस बैंक से रिलेटेड यहां पर लोगों को एक तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है यस बैंक को लेके अगर मैं बात करूँ तो लोग ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर इसका प्राइस देखा जाए तो चौदह से पंद्रह रुपए है ओके okay, पंद्रह रुपए का स्टॉक्स ले लेंगे और सोचेंगे कि यहाँ पर हम राकेश झुंझुनवाला की तरह करोड़पति हो जाएंगे हम पंद्रह रुपए का स्टॉक्स पंद्रह सौ रुपये हो जाएगा तो ये सारे ख्याल यहाँ पर माइंड में आने लग जाते हैं ओके okay, और इस वजह से लोग ज्यादा यहाँ पर यस बैंक यस बैंक यस बैंक करते रहते हैं तो क्या यस बैंक यहाँ पर पंद्रह सौ हो जाएगा क्या यस बैंक यहाँ पर पंद्रह पे ही रह जाएगा तो ये एक क्वेश्चन है ओके okay, इस क्वेश्चन का हम यहाँ पर आंसर देना चाहेंगे और इससे रिलेटेड बातें करेंगे जानेंगे कि यहाँ पर आजकल ये यस बैंक यस बैंक इतना फेमस क्यों हो रहा है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं जानते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन दूसरा चैनल नीतीश कुमार इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट कर लीजिए एक वीडियो आ चुकी है जहाँ पर अगस्त सीरीज में किस तरीके से मार्केट का आउटलुक रहेगा एज वेल एज इंस्टाग्राम और यहाँ पर ट्विटर दोनों पे आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा नंबर भी मिल जाएंगे कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हो तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं पंद्रह रुपए का स्टॉक्स है लोग कह रहे हैं कि पंद्रह पंद्रह परसेंट के रिटर्न दे दिए यहाँ पर अगर मैं न्यूज दिखाऊँ तो यहाँ पर लिख रहा है क्या लिख रहा है कि इसने एक महीने में अठारह परसेंट के रिटर्न दे दिए है ओके इसलिए लोग कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर एक महीने में पचास पचास परसेंट के भी रिटर्न दे चुके हैं जिनमें से मैंने भी एक शेयर बताया था ओके यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर पचास के रिटर्न सिंपल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या ये स्टॉक अच्छा है या फिर वो स्टॉक्स अच्छा है येस yes बैंक जो यहाँ पर अभी पंद्रह रुपए का है जैसे आप यहाँ पर खाफ सजा रहे हैं कि यहाँ पर डेढ़ सौ रुपए पंद्रह सौ रुपए और कितना आप पता नहीं होता हुआ नजर आ जाएगा ऐसी कौन सी न्यूज है जो इसे ज्यादा एक्ट्रैक्टिव बना रही है और सिलेटिव बातें कर लेते हैं तो सबसे पहले न्यूज पे आ जाता है तो न्यूज यहाँ पर आई है यहाँ पर आ, ग्लोबल पी इन्वेस्टर एडवेंट कार्लिल टू इन्वेस्ट वन बिलियन डॉलर या एटी करोड़ रुपीज इन यस बैंक तो यहाँ पर बात क्या हुई है यहाँ पर बात ये हुई है कि यहाँ पर ग्लोबल फंड है कार्लिल ग्रुप आपने सुना ही होगा ओके okay, वो यहाँ पर और इसके अलावा एक दो और फंड है वो यहाँ पर पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर, करने जा रहे हैं और लगभग कितने टेन परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर बिलियन डॉलर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कार्ल देख सकते हैं एंड एनवेंट इंटरनेशनल और एक दो और होंगे तो वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं दस की हिस्सेदारी के लिए येस yes बैंक में इससे क्या है इसमें ये यह, यहाँ पर बोर्ड पे आते हुए दिखाई देंगे मतलब यहाँ पर ये यह बोर्ड में यहाँ पर बैठते हुए दिखाई देंगे कोई भी डिसीजन होगा उसमें लेने में ये भी मदद करते हुए दिखाई देंगे तो एक न्यूज इस वजह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये यह यहाँ, यह यहाँ पर जरिया बना हुआ तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि यस बैंक क्या एक अच्छा ऑप्शन है ओके यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें इस पर्टिकुलर बैंक को तो यहाँ पर ये यह शेयर कितने रुपए से गिरा हुआ है आप यहाँ पर एक बार देखिए ना मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो यहाँ पर आपको पता चलेगा ये शेयर यहाँ पर चार सौ रुपए पे यहाँ पर चला चलता था 2018 में और उसके बाद से लगातार ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और अभी इस शेयर की वैल्यू यहाँ पर चौदह रुपए और इससे पहले हम देखें तो ये शेयर यहाँ पर पांच रुपए दस रुपए पे भी पर बीच में हुआ नजर आया था क्यों क्योंकि इसकी हालत बुरी हो गई थी इनका मैनेजमेंट बेकार हो गया था और अभी मैनेजमेंट यहाँ पर चेंज हुआ है और बड़े बड़े इन्वेस्टर हम बात करें राकेश झुंझुनवाला ओके और बड़े बड़े बैंक ने यहाँ पर इसे सहारा दिया सहारा देने का बाद बैंक यहाँ पर उठता हुआ नजर आया तो बहुत सारी कहानियां इसके

एग्जाम्पल से बात करते हैं अगर कोई एक आदमी है आप ही समझ लीजिए आप अपने दोस्त को या किसी को भी यहाँ पर आ, एक हजार रुपए देते हैं और एक हजार रुपए आप देने के बाद आप आ, आ, वो आपका दोस्त कहता है कि दो दिन में आपको पैसे लौटा दूंगा और दो दिन बाद आपका पैसा नहीं लुटता आप तीन दिन तीन दिन वेट करते चार दिन वेट करते हैं और उसके बाद आप उसे फोन में लाते हैं और कहते हैं और वो फोन नहीं उठाता उठा है, है।, तो 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 है।, है।, okay, है वो यही कहती है धोखा खा लिया उसके बाद हम वहां पर उस दिशा में नहीं जाते तो यहाँ पर जब एक बार पर्टिकुलर बैंक में यहाँ पर किसी ने धोखा खा लिया तो कितनी भी ग्रोथ दिखाए दूसरा यहाँ पर एक फेथ का कंसर्न हमेशा बना रहता है एज वेल एज यहाँ पर ये बैंक से अलावा यहां पर एक से एक बढ़कर बैंक है अगर मैं यहां पर ही दिखा दूँ आपको बैंक की लिस्ट एच डी एफ सी आईसीआई कोटैक बैंक एक्सिस बैंक इंडस्ट्रिय बैंक बंधन बैंक आई डीबीआई बैंक और many more. यहाँ पर इतने सारे बैंक है तो यहाँ पर लोग ज्यादा प्रिफर करेंगे जाना या फिर वहां पर जाना प्रेफर करेंगे जहां पर आपको एक बार धोखा मिल चुका है तो यहाँ पर लोग जाना पसंद करेंगे एच डी एफ सी बैंक की तरफ जो कि नंबर वन बैंक है जाना पसंद करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ जाना पसंद करेंगे कोटा एक्सिस बैंक की तरफ जो कि एक बड़े बड़े ब्रांड भी है और अगर सरकारी में भी जाना पसंद करेंगे तो सरकारी में जाना पसंद करेंगे एस बी आई की तरफ पी एन बी की तरफ क्योंकि वहां पर एक सरकार का फेथ बना रहता है कि यहाँ गवर्नमेंट है बैंक को डूबने देगी और यहाँ पर पैसा बना रहेगा तो एक कंसर्न यहाँ पर भी आता है और क्यों क्योंकि क्यों यहाँ पर अगर बात करें बिजनेस ये जब बैंक का आता है तो बैंक का बिजनेस आता है लैंडिंग से ओके okay, लैंडिंग से ही आता है उसका क्रेडिट कार्ड का आता है उसके बहुत सारे यहाँ पर बिजनेस होते हैं तो बहुत सारे बिजनेस में यहाँ पर किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है वो भी यहाँ पर मैटर करता है अब बात करते हैं यस बैंक की तो यस yes, बैंक यहाँ पर देखिए मार्केट uh, कैप वगैरह हम यहाँ पर देखने की कोई जरूरत नहीं है इंडस्ट्री पीस सोलह का है ये बत्तीस का है यहाँ पर और दूसरे बैंक बड़े बड़े बैंक जो अच्छे अच्छे बैंक है वो कितने पे एच डी एफ सी बीस पे मिल रहा है आईसीआईसीआई बीस पे मिल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक सत्ताईस पे मिल रहा है एक्सिस बैंक तेरह पे मिल रहा है ओके इंडसियन पंद्रह पे मिल रहा है बंधन सिक्सटी नाइन पे यहाँ पर ये चलो महंगा है बट अगर हम बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट देख लीजिए यहाँ पर रिजल्ट दे दिए पचास परसेंट यहाँ पर अप है रिजल्ट ओके सौ परसेंट अप है इसका प्रॉफिट इस तरीके से रिजल्ट दे देते हैं और फिर यहाँ पर लोग यहाँ पर सोचते हैं नेट प्रॉफिट जम्प फोर्टी फिफ्टी परसेंट तो चीजें यहाँ पर आप खुद देखिए यहाँ पर देखिए रेवेन्यू देखिए इक्यावन सौ पैंतीस करोड़ का रेवेन्यू है यहाँ पर कंसोलिटेट रिजल्ट दिखा देता हूँ इक्यावन सौ पैंतीस करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू है इंटरेस्ट यहाँ पर कंपनी ने इतना पे कर दिया एक्सपेंसेस इसके इतने हो गए और यहाँ पर जो मेन यहाँ पर जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो यहाँ पर नेगेटिव है फाइनेंशियल प्रॉफिट 406 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेगेटिव है बेशक से यहाँ पर कितना भी है नेट प्रॉफिट इट मैटर बट यहाँ पर भी देखिए ना ये मेन प्रॉफिट तो ये वाला माना जाता है ना मेन मार्जिन तो ये वाला माना जाता है ना अगर यही यहाँ पर ही नेगेटिव है तो और यहाँ पर लगातार नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ ध्यान देंगे या वहां पर आप इन्वेस्टर है तो याद रखिए इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा वो चीजें यहाँ पर

पर पर पर आप जाना पसंद करेंगे या आप जाना जाना पसंद पसंद करेंगे करेंगे या यस बैंक की तरफ पर पर इसका फाइनेंशियल जो अगर हम यहाँ पर बात करें इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट वो यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा है और लगातार यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है और इसके पॉजिटिव कब आएगा वो भी यहाँ पर चांसेस नहीं है अगर हम बात करें कार्लिस ग्रुप की चलो इसमें पर बिलियन बिलियन डॉलर डॉलर या दो चार ग्रुप ने मिलकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी तो क्या इन्होंने एक दिन के लिए करिए दो दिन के लिए करिए कितने दिन के, के लिए करिए ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए एक बार इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी तो इनकी इन्वेस्टमेंट इन्हें पूरा प्रॉफिट के साथ मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंपनी जो मैनेजमेंट है वो ग्रोथ दिखा पाएगा जो इसका पहला कभी हुआ करता था ये एक क्वेश्चन तीसरी बात यह है कि इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है क्या आज के लिए किया है क्या एक महीने के लिए किया है एक साल के लिए किया है अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ये पैसे, तो एक है, इनका एक है कि हाँ ये शेयर इतने टाइम में हमें यहाँ पर दे देगा तो इन्होंने एक लंबे टाइम का खेल खेला है तो क्या आप यहाँ पर अपना पैसा फंसा के पंद्रह रुपए के स्टॉक्स ले लिए इद, दस हजार ओके आपने यहाँ पर पंद्रह लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए तो क्या एक समझदारी वाली आपकी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि मार्केट में अगर हम बात करें आप यहाँ पर पैसा कमाने आए और पैसे कमाने के लिए पहली बात तो यहां पर अपने पैसे को बचाना बहुत जरूरी है तो अच्छे बैंक भी नजर आते हैं और अगर पैसे को बचाना ही है पैसे को बढ़ाना ही है तो एक बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जहां पर मैं डेली वीडियो बनाता हूं और डेली वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक स्टॉक्स देखिए एस कार्ड बताया बजाज बताया एज वेल एज मैंने यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक रोजरी बायोटेक यहां पर भागते जीएमर मैंने आपको बताया रूट मोबाइल आपको बताया यहाँ पर तीन स्टॉक्स बता रखे हैं जो कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्टॉक्स है लोग वीडियो नहीं देखते यहाँ पर लोग समझते नहीं है लोग समझते हैं कि यहाँ पर हमारे फॉलोअर्स कम है हमारे यहाँ पर वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे तो मतलब हम यहाँ पर बेकार चीजें बता रहे हैं बट ऑब्वियस सी बात है आप देखेंगे फॉलो करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि हम यहाँ पर जो स्टॉक्स बताते हैं वो वो एक दिन में भागे भागे या ना भागे, वो दो दिन में भागे या ना भागे पर जब वो भागना शुरू करता है तो इससे बेहतरीन ये नहीं जाता जाता याद रखिए सबसे बेहतरीन रिटर्न दे के जाता है अब बात करते हैं टेक्निकल की तो टेक्निकल जिस तरीके से बता रहे हैं सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और अगर भाग भी गया तो सोलह रुपए तीस पैसे सीधे इसकी जान निकलती हुई नजर आएगी ऐसे इसका कुछ दम नहीं है और अगर शेयर भाग भी दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है भगाने के पीछे के रीजन होगा कौन भगाने के पीछे सिंपल रीजन होगा ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेटर आपको ले तो जाएंगे ऊपर ओके okay, बट यहाँ पर फसा नीचे ले आएंगे तो आपका इससे शेयर जो आपने चौदह रुपए में लिया होगा आप सोचेंगे कि यहाँ मैं डेढ़ पे बेच दूंगा तो डेढ़ पे आप तो नहीं बेच पाएंगे क्यों क्योंकि लालच जो ग्रीड होते हैं ना वो उससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे बट वो लोग डेढ़ सौ पे बेच के लोअर सर्किट लाके ओके यहाँ पर आपके शेयर को दोबारा पांच रुपए दस रुपये या इस तरह खड़ा कर देंगे और आपके पैसे की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी और टाइम की वैल्यू नहीं तो पैसे की वैल्यू नहीं सिंपल सी बात ये है तो ये बैंक इज अ गुड स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं अभी बिल्कुल भी यहाँ पर खरीदिए मत बेशक कितने भी बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हो राकेश झुंझुनवाला सर हो या कितने भी बड़े यहाँ पर बैंकर्स हो एफ आई हो डी हो दूर रहिए कोई परेशानी नहीं है आप अगर रिटर्न मर भी गए तो कोई परेशानी नहीं है रिटर्न बन भी गए तो भी कोई परेशानी नहीं है अच्छे स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करिए उसमें पैसा लगाइए जहां पर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा गेन नहीं मिलेगा स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट में पैसा मिलता है लंबे टाइम का गेम खेलने में तो लंबा टाइम का गेम खेलिए और जब लंबे टाइम की बात आती है तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाते तब हम लगाते हैं बेहतरीन बैंकों में पैसा लगाते हैं जहां पर बीस और पच्चीस के सी से पैसा बनता है दस लाख रुपए लगाते हैं बीस साल में सौ करोड़ रुपए होता है तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखिए देखा करें दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम ट्विटर सब पे फॉलो करें, बेहतरीन सीख मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस